नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझे में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि इसमें आए दिन विवाद होते हैं। विवाद जो है उसका फैक्ट्स भी होता है, उसको लेकर बातें भी होती है और जो है उसके बाद वो चर्चा का विषय बनता है और फिर आरोप प्रत्यारोप के दौर के साथ साथ ये मामला कोटेशियल यानी कि कोर्ट थाने तक पहुंच जाता है। इस कड़ी में आपको पता होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर लगातार जिस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर आ रही थी, तमाम जानकारियां जो है आप सभी को मिलती रहती है। तो एक देशवा न्यूज की एक एंकर है, नाम है उनका बबीता मिश्रा। बबीता मिश्रा दरअसल इस मामले को लेकर ज्यादा ही एक्साइटिंग मूड में नजर आती है। जिस तरीके का आरोप जो है वो लगातार प्रत्यारोप आरोप लगाती नजर आती है, वो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने है ही और इस चीज के बारे में बखूबी आप जो है वो जानते होंगे। बबीता मिश्रा लगातार ज्योति सिंह के पक्ष में बातें करती नजर आती हैं और बबीता मिश्रा को लेकर कहीं ना कहीं ज्योति सिंह की भी बातें होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि बबीता मिश्रा के पास वो सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से वो आकर सोशल मीडिया पर बातें करती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद पवन सिंह इस बार बर्दाश्त वाले मूड में नहीं है, यानी कि पवन सिंह नहीं चाहते हैं कि इस चीज़ों को बर्दाश्त किया जाए और इस कड़ी में अब जो है मामला मुकदमा केस और कोर्ट कचहरी तक पहुँचना शुरू हो चुका है। जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जो बबीता मिश्रा है दिसवा ने उसकी और उन पे जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किसी एक थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और बबीता मिश्रा के साथ ऑफिस का पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया गया है। इस जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि बबीता मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार भी कर सकती है और गिरफ्तार क्यों करेगी, इसके पीछे की एक चौंकाने वाली वजह है और वजह यह है कि लगातार जिस तरीके से ज्योति सिंह मामले को लेकर लगातार जो है बबीता मिश्रा आवाज़ उठाती हैं, उसको आवाज़ कह लें या फिर पवन सिंह के टीम के द्वारा ये माना जा रहा है कि उकसाने का आरोप जो है कहीं ना कहीं लगाया गया है बबीता मिश्रा पर, कि बबीता मिश्रा उकसा रहे हैं ज्योति सिंह को कि वो सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें, इस तरीके की चीज़ें। क्योंकि आपको पता होगा कि किसी महिला अपने हस्बैंड को लेकर जो भी बातें होती है, अगर कोई सामने वाला उससे बात करता है और उसको कई तरीके की बातें करता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती है। तो इसको लेकर ये आरोप लगाया गया है, खास करके थाने में इस तरीके का मुकदमा किया गया है कि आप जो है किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, पवन सिंह को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया गया है और किसी को उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। तो यह मामला कहीं ना कहीं गंभीर होता है और इसकी जांच होती भी है। अब मामला मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, अब देखना यह होगा कि आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आता है। खैर, इस तरीके की चीजें जो हो रही है उस पर आप क्या सोचते हैं? और कहा जा रहा है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, संतोष नाम है कोई व्यक्ति का, वो वायरल किया था कॉल, तो उस पर भी जो है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाने की बात कही जा रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी आती है। बने रहिए चैनल के साथ, जैसे ही बाकी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।